फिर है चैप्टर थ्री और उसका रूल नंबर फाइव जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में गाइडलाइंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैन्युफैक्चरर की, इंपोर्टर की, असेंबलर्स की, रिकंडीशनर्स की। तो ये सभी पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये बैटरी के अलग अलग सिस्टम्स के लिए यूजफुल है। जैसे यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाला जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्टर बन जाएगा। अगर आप अलग अलग कॉम्पोनेंट से बैटरी असेंबल करते हैं वो तो असेंबलर बन जाएगा। और अगर बैटरी की आप कंडीशन सुधारते हैं तो उससे बाद में भी सेल हो सकता है और उसकी लाइफ भी बढ़ सकती है, तो वो है रिकंडीशनर। तो ये सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जो बैटरीज यूज होती है तो ये यूज बैटरीज के लिए आपको जो टेक बैक सिस्टम्स यूज होता है वो यूज करना चाहिए। और ये शेड्यूल्स में भी गाइडलाइंस दी गई है कि कौन सी बैटरीज किस टाइप की हो सकती है और उसको कलेक्ट कैसे करना है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टाइप या स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके बैटरीज के ऊपर रखने चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी पता चले कि ये बैटरी का टाइप क्या है और इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है। उसके अलावा है जो फाइल आपको करना होता है एनुअल रिटर्न, तो ये एनुअली आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है स्टेट बोर्ड को। और उसका जो फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 1। और नॉर्मल इसकी जो गाइडलाइंस होगी वो कैलेंडर ईयर का एंडिंग यानी कि 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। फिर अलग दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है कलेक्शन सेंटर्स के बारे में। तो कलेक्शन सेंटर आपको सेट करना होगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। उसके अलावा जो रिसाइकलर्स होंगे, तो जो भी रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रही है वो रजिस्टर्ड रिसाइकलर के अंडर ही हो रही है, ये भी उसका भी ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ये बैटरीज के लिए या फिर डीलिंग के लिए या फिर मूवमेंट के लिए या डिस्पोजल फैसिलिटीज के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ होना चाहिए, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है, ये भी उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको रखना चाहिए, जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट थ्रू या पब्लिकेशंस थ्रू या पोस्टर्स थ्रू या फिर कुछ अलग मीडिया भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी पब्लिक यहाँ पे रहेगी, ये सभी पब्लिक को ये बैटरीज के बारे में या फिर उसके रिसाइकलिंग प्रोसेस के, कलेक्शन सेंटर, डिसमेंटलिंग प्रोसेस, रिकंडीशनिंग, रिफर्बिशिंग, ये सभी प्रोसेसेस, उसके अलावा उसमें जो कंटेंट्स रहते हैं उसके बारे में, मैक्सिमम परसेंटेज का लिमिट, लेबलिंग या फिर जो अलग अलग जो मेथड्स है, और रजिस्टर्ड रिसाइकलर कौन है, रजिस्टर्ड जो रिकवरी करने वाले हैं या फिर रिकंडीशनिंग करने वाले, रिफर्बिशिंग करने वाले, ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या है, उससे एड्रेसेस क्या है, ये सभी बातें पब्लिक को भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे भी ये कलेक्शंस हो सकते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए आपको पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे लेड के हजार्ड्स क्या होते हैं, कैडमियम के हजार्ड्स क्या होते हैं, मर्क्यूरी के हजार्ड्स क्या होते हैं, और फिर जो कंज्यूमर्स है उनकी कैटेगरीज क्या होती है, डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या है, कलेक्शन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर अगर कहीं जगह आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है या फिर डिस्पोजल इम्प्रॉपर है या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ ब्रेकेजेस हुए हैं, डैमेज हो चुके हैं, या फिर बैटरी की जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो भी इम्प्रॉपर है, तो वो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करेक्टिव स्टेप्स है या करेक्टिव एक्शन है वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स जिसको कहते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी पब्लिक को देने चाहिए, जिसकी वजह से सबको पता चले कि बैटरी के रिलेटेड आपको हैंडलिंग या स्टोरेज या रिसाइकलिंग जैसे प्रोसेसेस आपको क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सभी लोगों की है। उसके अलावा है जो साइंस हमने बताए थे, तो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग साइंस आपको बैटरीज के ऊपर यूज करने हैं, या फिर जो रिसाइकल्ड लेड है या फिर अदर एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर इनकेस कहीं पे नोटिसेस की अगर जरूरत है तो स्टेट बोर्ड
या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी आप बता सकते हैं। तो कहीं पे अगर कोई डीलर कोई रूल वायलेट करता है तो उसके लिए भी आप नोटिसेस उनके थ्रू दे सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन भी आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू बैटरीज है, तो ये न्यू बैटरीज का सेलिंग करना या बाइंग करना ये डीलर थ्रू हो सकता है और बल्क कंज्यूमर भी इसको यहाँ पे खरीद सकता है। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं तो वो रजिस्टर्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है इसके बारे में या फिर वो अलग अलग एजेंसीज के बारे में भी सीपीसीबी थ्रू या एसपीसीबी थ्रू आपको जानकारी मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो ये सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी सब पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए। अभी कुछ जो अभी तक हमने बात की थी 5.1 में जनरलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अभी 5.2 में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होती है बैटरी हैंडल करते टाइम या स्टोर करते टाइम या फिर अलग प्रोसेस में, तो उसको चैनलाइज करना और उसकी रिसाइकलिंग या डिस्पोजल प्रोसेस पर्टिकुलर सिस्टम या गाइडलाइंस के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो ऑथराइजेशन या ऑथोरिटी आपको मिलनी चाहिए उसके लिए मैन्युफैक्चरर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह, जो फॉर्म नंबर है 2A उसके थ्रू जो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और जो ऑथराइजेशन आपको मिलना चाहिए वो फॉर्म 2B से आपको ऑथराइजेशन भी मिल सकता है। उसके अलावा जो बैटरी वेस्ट जनरेशन प्रोसेस है या फिर हैंडलिंग प्रोसेस है डिस्पोजल प्रोसेस है ये सभी बातों को आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके अगर उसका सिस्टम फॉलो करते हैं तो वो है फॉर्म नंबर 6। तो ये सभी रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल रखने चाहिए। अगर कोई एसपीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव आता है या फिर सीपीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो ये रिकॉर्ड्स आपको फॉर्म 6 के फॉर्मेट्स में उनको दिखाने चाहिए। उसके अलावा है फॉर्म नंबर 1 जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है, तो ये जो हमने कहा है कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम एसपीसीबी को आपको 30 जून को आपको ये सबमिट करना है। फिर है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो हमने कहा था ये EPR ये प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो ऑथराइजेशन होता है EPR के रिलेटेड तो ये CPCB के अंडर या SPCB के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जब प्रोड्यूसर अप्लाई करेगा तो उसके लिए फॉर्म 3A है। और ये जो बैटरीज ओरिएंटेड कलेक्शन या चैनलाइजेशन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर को होगी। तो एंड ऑफ लाइफ तक उसको मेंटेन रखना है, एनवायरमेंट पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए इसके बारे में ध्यान रखना है, ये सब प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो भी मैकेनिज्म होगा अलग अलग प्रोसेस के लिए या स्टेप्स के लिए ये सभी EPR ऑथराइजेशन के अंदर आ सकता है और ये CPCB या SPCB डिसाइड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस डीलर को ये अलग अलग जो फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो फैसिलिटीज होंगी तो ये सभी फैसिलिटीज के डिटेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस या टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स या हेल्पलाइन नंबर्स या कंज्यूमर्स को ये सभी बातें आपको बतानी चाहिए या फिर जो बल्क कंज्यूमर्स है या फिर आप अगर डायरेक्टली वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे या अलग अलग मीडिया थ्रू पब्लिश करेंगे तो ये कंज्यूमर्स या बल्क कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि इनकी प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन की हेल्प हो सकती है। उसके अलावा है जो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे जिसके बारे में हमने कहा था, तो ये प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर्स पब्लिकेशंस मीडिया थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर जो हजार्डस कॉम्पोनेंट से या कॉन्स्टिट्यूएंट से बैटरीज के उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी चाहिए, कंज्यूमर्स को देनी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन इम्प्रॉपर हैंडलिंग डिस्पोजल ब्रेकेज या डैमेज की है वो भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश करनी चाहिए। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है जैसे हमने बात की थी डूज एंड डोंट्स जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो ये प्रोड्यूसर के ओरिएंटेड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी ये मेंशन किया गया है। जो भी हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं उसका जो लेबलिंग क्राइटेरिया है
वो भी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ठीक तरह से वो सभी क्राइटेरिया को फॉलो करें। फिर जो EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए जो भी आपको ऑथराइजेशन करना है, तो ये ऑथराइजेशन के लिए आपको CPCB को अप्लाई करना है, और वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 3B, उसके थ्रू इसके लिए आपको अप्लाई करना है, और उसका रेफरेंस रूल नंबर है 82। फिर है जो इंफॉर्मेशन और जो कलेक्शन इंफॉर्मेशन या एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे इसमें बैटरीज हैं, तो ये बैटरीज में अलग अलग जो स्टेप्स है, ये EPR थ्रू भी इसका आपको प्लानिंग करना है। तो जो भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हमने मेंशन की है, उसका प्लानिंग भी ठीक तरह से करना, ये भी प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो प्रोड्यूसर जो भी अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वो एज अ रिफंड भी आपको करना है कंज्यूमर्स को, बल्क कंज्यूमर्स को। जैसे आज के टाइम में भी अगर आपको पता होगा कि अगर आप कोई यूज्ड बैटरी रिप्लेस करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर डीलर को देते हैं, और दूसरी नई बैटरी अगर आप खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो वो यूज्ड बैटरी का जो भी अमाउंट होगा वो मिलेगा, या फिर अगर आपको नई बैटरी खरीदनी होगी तो उस पर आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ परसेंटेज में मिल सकता है। तो ये सभी बातें अभी यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंडर आएगी, और ये प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड कॉम्पोनेंट था स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डीलर। तो ये डीलर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप बैटरी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होती है, तो ये प्रोवाइड करना है कंज्यूमर थ्रू, या फिर जो अलग अलग फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना है, जैसे कि बॉक्सेस से या फिर बीन्स से या डी मार्केटेड एरियाज यहाँ पे होंगे, तो ये बैटरी वेस्ट ओरिएंटेड ये आपको फैसिलिटीज यहाँ पे देनी चाहिए। उसके अलावा जो लीड एसिड बैटरीज है या फिर अदर बैटरीज है, इनका जो रिप्लेसमेंट होता है, या फिर न्यू लीड एसिड बैटरीज से भी आप उसको 100% रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या फिर वो सोल्ड कर सकते हैं कंज्यूमर को, या दूसरे कस्टमर्स को भी आप ये दे सकते हैं। तो ये सभी बातें आप डीलर्स थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये GST इनवॉइस थ्रू ही ये सेलिंग या परचेसिंग होनी चाहिए। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या फिर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से स्पेशली आपको यहाँ पे CGST एक्ट का ध्यान रखना है, और वो अलग अलग जो सेक्शंस दिए, जैसे यहाँ पे सेक्शन 31G है या फिर 31(3)(f) है, ये अलग अलग सेक्शंस का आपको रेफरेंस लेना है, और यहाँ पे आपको जो वहां पर भी टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेस आपको अप्लाई करके ही ओवरऑल पेमेंट आपको करने हैं, और फिर वो वाउचर पेमेंट आपको यहाँ पे सप्लाई करने हैं। तो ये डीलर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी बैटरीज आप कलेक्ट करते होंगे, तो ये कलेक्ट करने के बाद जो भी स्पेसिफिक आपको प्रोसीजर्स उसमें करनी है, तो ये प्रोसीजर आप जो डीलर है उसके थ्रू भी आप इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये हर एक डीलर का जो SPCB के लिए एप्लीकेशन है, उसका नंबर है फॉर्म नंबर 2C। तो ये जो डीलर हम कहेंगे, तो ये ऑथराइज्ड डीलर होता है, इसीलिए इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको ऑथराइज डीलर कहके कहेगा, और उसके बाद में फिर ये डीलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एप्लीकेबल आपको होगी। फिर ये जो बैटरी वेस्ट होती है या फिर उसके कॉम्पोनेंट्स का इश्यूज होता है, ये भी डीलर को आपको चैनलाइज करके देना है, और जो भी बैटरी वेस्ट ओरिएंटेड जो रिकॉर्ड्स है उसको आपको मेंटेन करना है फॉर्म नंबर 6 में। तो चाहे आप डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो या प्रोड्यूसर हो, तो आपको ये सभी बैटरी वेस्ट के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो आपको फॉर्म नंबर 6 में मेंटेन करना जरूरी है, हर एक का स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है आपको, तो यहाँ पे जो डीलर से उनके लिए 31 मई और जो 30 नवंबर जो एवरी ईयर में आपको फॉर्म नंबर 1 में इसके डिटेल्स देने हैं। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन या कलेक्शन फैसिलिटीज है बैटरीज ओरिएंटेड, इसके लिए भी आपको एज अ डीलर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि आप कहीं से वो बैटरीज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और आप कहीं पे वहां पे सेंड भी कर रहे हैं, तो ये सभी बातें डीलर्स के अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है।
अभी ये जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी एनवायरमेंट पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ एसिड्स यहाँ पे यूज होते हैं, कहीं पे लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ बैटरीज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डैमेज भी हो सकती है, या फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो बैटरीज के इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सभी बातें आपको एज ए डीलर आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एसपीसीबी थ्रू अगर आपको रजिस्ट्रेशन देखना है तो जनरली ये 5 ईयर्स के लिए आपको डीलरशिप मिल सकती है, और नॉर्मली 5 ईयर्स के बाद में ये जो प्रोविजन है ये कैंसिल होगी या फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी फॉर्मेलिटीज है जैसे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 भी है आपको फिलअप करना है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और फिर जो एनओसी होता है नॉर्मली जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी आपको प्रोड्यूस करना है कि ये जो डीलरशिप करने वाला हूँ ये मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड करनी है, इस हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ। फिर उस पे अगर कुछ पब्लिक से अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो वो भी आप अपील कर सकते हैं, और ये जो एसपीसीबी है उसके मेंबर सेक्रेटरी को भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड से भी है, आप भी उनको राइटिंग में कुछ बातें दे सकते हैं और पब्लिक भी आपके जो फैसिलिटीज है उस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकती है, और ये दोनों केसेस यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएगी और क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पे वो उसका जजमेंट देंगे।